ओम शांति बाप दादा मधुबन आज की मधुर मुरली 21/2/2024 मीठे बच्चे ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तब ही विजयी होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतमुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र फिर चाहे देवी गुण वाला हो या आश्रय गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। देवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आश्रय गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखित भी बनाई है कि देवी गुण वाले हो या आश्रय गुण वाले हो, मतलब सतयुगी हो या कलयुगी हो। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन अंदर खिट रहती है, यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है। दूसरी पॉइंट, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है तब तो गाया जाता है, कम कर दे, ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। तीसरी पॉइंट, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चौथी पॉइंट, बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छे चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। पांचवी पॉइंट, बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना। छठवी पॉइंट, श्री बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, तुम समझते हो अपनी रजाई स्थापन कर लेते हो, कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। सातवीं पॉइंट, पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। आठवीं पॉइंट, बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है, जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं यह चल नहीं सकेंगे, तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। नवीं पॉइंट, यह बगुला है किसमें कोई अवगुण है किसमें कोई चटा भेदी भी चलती है, मेहनत बहुत है भी बहुत सेकंड में जीवन मुक्ति। दसवीं पॉइंट, गरीब जो हैं वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं, यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ ले जाने वाले आज हैं नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्यार। पहली पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जवहर भरने के लिए कर्म करते अंतमुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधों से मरमत निकाल दो। दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान आज बाबा ने दिया, साक्षी हो कमेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ,
कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, यह नहीं भूलें, करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो, कमेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है आज का, विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकार देने वाले बनो। ओम शांति।